खबर है 15 दिनों के लिए हाईकोर्ट बंद, सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के तौर पर मंगलवार से आगामी 15 दिनों के लिए झारखंड हाईकोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान सिर्फ जरूरी मामलों और जन सरोकार से जुड़े मामलों की ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता में बुलाई गई फुल कोर्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से पत्र जारी कर जानकारी दी गई है। जारी पत्र में कहा गया है कि विशेष मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तथा दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए सिविल जज वरिष्ठ व कनिष्ठ वर्ग के कोर्ट ही खुलेंगे। अन्य सभी कोर्ट 21 मार्च तक बंद रहेंगे। विशेष परिस्थितियों के अलावा कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण, सुधार व पुनर्वास अधिकरण भी बंद रहेंगे। खबर विपक्ष का लोहरदगा हिंसा मामले पर हंगामा, मुख्यमंत्री ने कहा सदन को मछली बाजार न बनाएं। दोस्तों, झारखंड बजट सत्र की मंगलवार को कार्यवाही शुरू होने के पहले ही सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भाजपा विधायक अनंत ओझा ने लोहरदगा हिंसा मामले को लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद भाजपा विधायक बेल में जाकर हंगामा करने लगे। इस बीच हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष के सदस्य अपनी बातों के एक एक कर रखे, वे क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है, ऐसे में सवाल का जवाब देना कठिन होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को मछली बाजार न बनाए। खबर है झारखंड में स्थिति सुधरी तो पहले ही खोलेंगे स्कूल कॉलेज। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के खतरे, बढ़ते खतरे और इसके जद में 14 राज्यों के आने के बाद झारखंड ने इसे रोकने और जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित करते हुए आदेश दिया है कि झारखंड के सभी निजी सरकारी स्कूल, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स क्लब, जिम और म्यूजियम 14 अप्रैल तक बंद रखे जाएं। इसके अलावा खेलकूद से जुड़े सभी आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैठक, सेमिनार और महोत्सव भी स्थगित किए जाएं। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि 15 दिन के बाद पूरे स्थिति की समीक्षा होगी, अगर हालात सुधरते हैं तो 14 अप्रैल से पहले ये प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं और परीक्षा का मूल्यांकन कार्य प्रभावित नहीं होगा, ये जारी रहेंगे। खबर है झारखंड में महामारी कानून लागू, कोरोना संक्रमण छुपाया तो जाएंगे जेल। दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराएगी। कोरोना वायरस को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। इसके मरीज मिलने पर सरकार को जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अभी तक कोरोना से सुरक्षित है। कोरोना के लक्षण देखे जाने के बाद अब तक 22 लोगों की जांच हुई, इनमें 21 संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। मुख्यमंत्री ने सभी के से सहयोग की अपील की। सीएम हेमंत ने सोमवार को सरकार के उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। जिला और प्रखंड मुख्यालय में होने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। खबर है चीन से आया कोरोना वायरस और अब मास्क भी, भारतीय बाजार परेशान। दोस्तों, पूरी दुनिया को दहशत में डालने वाला कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में ही सामने आया। यह वायरस चीन से ही भारत समेत पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। इसके संक्रमण से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। मुंह में मास्क लगाए जा रहे हैं। मास्क की बढ़ती मांग को देखते हुए इसे बनाने वालों के सामने एक बड़ा मौका है। वे बाजार की मांग को पूरी करने के लिए पिल पड़े हैं। इस मामले में चीन पीछे नहीं है। चीनी निर्माता मास्क को बनाकर भारतीय बाजार में ठेल रहे हैं। यह मास्क भारतीय मास्क से बाजार में सस्ता पड़ रहा है, इससे भारतीय निर्माता परेशान है।